वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमर जुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। और इसी के साथ साथ मैं बताती चलूँ, आज की जो हमारी लोकेशन है वो ब्लॉक एच नॉर्थ नाज़माबाद है, जहां पर मौजूद है बिहारीज रेस्टोरेंट। जी हाँ, बिहारी रेस्टोरेंट का जो जायका है नाज़रीन, जब आप लोग यहाँ पर आएंगे विजिट करेंगे तो वो जायका कभी आपके मुंह से जाने नहीं पाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर जो है हर किस्म का फूड जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ के कस्टमर्स को, और क्या क्या सहूलियात ये लोग दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट, कितने परसेंट डिस्काउंट ये लोग यहाँ पर अपने आने वाले क्लाइंट्स को दे रहे हैं। यहाँ के जो ऑनर होंगे हम उनसे भी बात करेंगे कितने टाइम से जो है ये सिलसिला जारी है, और बिहारी रेस्टोरेंट कब तक और कितने टाइम तक जो है लोगों के यहाँ के लोगों का दिल जीत चुका है। यहाँ पर आए हुए जो हमारे कस्टमर्स हैं, बिहारीज के कस्टमर्स हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ का जायका कैसा है। चलिए मेरे साथ। बिहारी में यहाँ पे जिंगर खा रहे हैं, कैसा लगा? बेहतरीन और अच्छे टेस्ट था। अच्छा, तो कुछ और चीज़ ट्राई की आपने? जी हाँ, मैं रेशमी कबाब खाया। अच्छा, वैसे यहाँ की मैंने एक स्पेशलिटी सुनी है कि यहाँ पे इटालियन जिंगर है जो पूरे एरिया में कहीं नहीं मिलता, वो ट्राई किया आपने? नहीं, अभी तो नहीं ट्राई किया। तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम आप आने वाले हैं? जी इंशाल्लाह, जरूर अच्छी टेस्ट है, जरूर आएंगे। क्या खाया आपने? बर्गर। कौन सा बर्गर? चिकन बर्गर। अच्छा लगा? जी। टिपिकल एक डिश है इनके पसंद है, वो बहुत अच्छी होती है, और एक कीमा बनाते हैं, ये दम कीमा। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे पसंदे पसंद आए। आज ऑफ कोर्स पसंदे करेंगे, और बच्चों के लिए बर्गर्स हैं, और बेटी मेरी रोल पसंद करती हैं, उनको रोल दिलाएंगे, और मिसेस अपना बताएंगी। नाम इनका बड़ा स्पेशल है, हमने सुना था इनके बारे में कि नया रेस्टोरेंट है, तो इसलिए हमने सोचा कि ट्राई करें। एक दफ़ा और पहले आ चुके हैं तो हमें खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था इनका लच्छा कबाब, और इनके कीमा है एकदम का कीमा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करें। एक नया रेस्टोरेंट है, नई चीज़ है, और चूँकि मार्केट में ये नया है लोग, तो ज़रूर इनको ट्राई करना चाहिए, इन्हें चांस देना चाहिए टू ग्रो। कितना मज़ा आया यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। क्या खाया यहाँ पे? बच्चों के हिसाब से तो सभी को ये बर्गर ही पसंद है। बच्चों के हिसाब से क्या? ये बोले मेरे हिसाब से, मतलब वही मेरे हिसाब से मुझे, मैंने बर्गर खाया है यहाँ पे। बर्गर, बाकी बर्गर्स और ये बर्गर्स कैसे लगे, कुछ फ़र्क आपको दिखा? जी जी, बहुत फ़र्क देखा, देसी बर्गर है, बहुत मज़े का लगा मुझे। अच्छा जी, आप बताएं आपको क्या पसंद आया यहाँ? मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कीमा और पसंद आए। ये क्या बना रहे हैं आप? मैं ये दम कीमा बना रहा हूँ। अच्छा। ये हमारी स्पेशलिटी में से एक है, स्पेशलिटी डिश में से एक है, दम कीमा भी पसंद है, ये हमारी स्पेशलिटी है। इसके अलावा लच्छा कबाब वगैरह भी हमारी स्पेशलिटी। ये मुझे बताएं, यहाँ पे लच्छा कबाब मैं सुन रहा हूँ और रेस्टोरेंट में नहीं है, तो ये क्या, ऐसी क्या ख़ास बात है इसमें? देखिए, जैसे मैंने अपने रेस्टोरेंट का नाम बिहारीज रखा है, तो ये बिहारियों की एक स्पेशलिटी कबाब है जो सिर्फ हमारे लिए रेस्टोरेंट में ही आपको अवेलेबल मिल होगा। अच्छा। ये दम कीमा हो गया भी पसंद हो गया, ये भी आपको पूरे नॉर्थ में आप वर्जन में कहीं नहीं। जानिब जो है लच्छा कबाब बन रहा था, और यहाँ पर जो है बिहारी बूटी बन रही है, जिसे देख के मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। मोहम्मद नवाज साहब से मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या मसाले इन्होंने इसमें यूज़ किए हैं। हाँ भाई, दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और सॉरी टू से अगेन, मेरे मुँह में बहुत सारा पानी आ रहा है नवाज़ जी बिहारी बूटी देख के, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या मसाला ज़्यादा आपने इसमें यूज़ किया। जी, इसमें अदरक होते हैं, पपीता होते हैं वगैरह, लहसुन वगैरह होता है, गर्म मसाला होता है, जीरा वगैरह, ये वगैरह, तेल वगैरह होता है। बाकी बहुत टेस्टी है, माशाल्लाह सही चल रहा है। ऐसे कितना टाइम लेता है बनने? ये तो बनने में लेते हैं 2-3 घंटे लेते हैं। 2-3 घंटे? और अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी खाना है, तो आप मुझे कितनी जल्दी प्रोवाइड? जी बस 10-15 मिनट में। अच्छा, मेरे लिए 10-15 मिनट? जी जी। वैसे नवाज, कितने सालों से आप यही काम करते हैं? मैं तो 9-10 साल से काम कर रहा हूँ। जी, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा? जी बेहतरीन है माशाल्लाह। जी ना,
लेकिन इस वक्त हमारे साथ बिहारी रेस्टोरेंट के ऑनर वसीम साहब मौजूद हैं। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं फूड, ये इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया है। ज़रा जानते हैं इनके हाथ का जायका, इनकी ज़बानी। और लेकिन ये हम इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि बिहारी रेस्टोरेंट ही क्यों और कब से, आइए ज़रा सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वसीम साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि माशाल्लाह कुकिंग का जो इंटरेस्ट होता है ज़्यादातर औरतों में होता है, तो आप में ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप? नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है कि कुकिंग का इंटरेस्ट औरतों में होता है। एक्चुअली जो कुक होते हैं या शेफ़ होते हैं वो एक्चुअली मर्द होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मर्दों के हाथ में जायका दिया वो औरतों को। वो तो मैं भी देख ही रही हूँ और इस खाने को देखते मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो मैं चाहूँगी जो भी हमारे सामने फूड रखा हुआ है ये क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले ये है दम कीमा, ये हमारी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी है यहाँ की? बिल्कुल। इसके साथ चपाती, फिर ये बीफ पसंदे, ये भी हमारी स्पेशलिटी में से एक चीज़ है। इसके साथ हम पराठे सर्व करते हैं, ये इटालियन जिंगर है। इसकी क्या खूबी है, इसमें ऐसा चेंज क्या है, बाकी जिंगर से क्यों डिफरेंट? पूरे नॉर्थ जोन में आपको ये इटालियन जिंगर नहीं मिलेगी। सीरियसली? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और टेस्ट वाइज प्राइस वाइज बहुत ही रिजनेबल है। लास्ट वन बिहारी लच्छा कबाब। बिहारी कबाब तो सुना है, बिहारी लच्छा कबाब, इतना बड़ा नाम इसको देने की? सिर्फ नाम देने की वजह नहीं है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि ये बिहारियों की स्पेशल कबाब में से एक है। जैसे बिहारी बहुत चटपटा सा खाते हैं, तभी आपने हमें भी जो सर्व किया है वो बिहारी कबाब हो गया, ये सारी चीज़ें नॉल हो गई। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप यहाँ के ऑनर हैं और कुक भी आप खुद ही करते हैं, ये क्या बात है? कुकिंग बैकग्राउंड है, शेफ जाकिर के साथ मैंने देसी फूड में एक्सपर्टीज ली है, उसके बाद मैंने एक और शेफ शफकत है उनके साथ मैंने फास्ट फूड में एक्सपर्टी ली है, फिर उसके बाद मैं अपना रेस्टोरेंट। तकरीबन वसीम साहब कितना साल हो गया आपको कुक करते हुए? ओवरऑल देखा जाए 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा देसी और फास्ट फूड दोनों मिलाकर। अब अपना किया है अल्लाह ने। अच्छा, अभी आपने अपना ये सेटअप किया है बिहारी रेस्टोरेंट, तो कितना टाइम हो? अभी रिसेंटली किया, लेकिन पूरे ब्लॉक एच में जो है धूम मचा के रखी। जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वैसे इस पे बिहारी जायका भी है या नहीं? वैसे बिहारियों के हाथ में ऑलरेडी इतना जायका हो। हमने कोशिश ही ये की है कि हम बिहारी जायका ही इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि उनके जो मसाला जात होते हैं, उनके जो मयारी खाने। जी, हमारे स्पेशलिटी में से एक है, हम स्पाइसी खाने ज़्यादा शौकीन हैं, तो मैंने इन सब चीज़ों को मर्ज किया है। स्पाइस भी है और अपना फास्ट फूड भी इसलिए रखा ताकि हर तरह के लोगों को। वैसे वसीम साहब, यहाँ पर अभी हमने देखा नाज़रीन के बहुत ज़्यादा फूड रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, फूड स्ट्रीट्स यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं बिहारी रेस्टोरेंट का ही रुख कर रहे होते हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब से आपने ये रिसेंटली अभी आपने कहा कि जो है ये खुला है, ओपन किया है, तो पब्लिक का आवाम कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जो एक बार आ रहे हैं वो दोबारा भी आ रहे हैं। वैसे नाज़रीन, एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई वसीम साहब की, ये ऑनर हैं और इन्होंने अपने सर पे से कैप नहीं उतारा। मैंने जब इनसे कहा कि आप इंटरव्यू दें, तो ये ऐसे ही आके बैठ गए। ये एक सच्चे ईमानदार जो है एक शेफ़ की भी जिम्मेदारी है, और वो अपने काम के साथ इतना सिंसियर है कि अगर वो टीवी पर भी आ रहे हैं तो उन्हें अपने लुक की जो है कोई परवाह नहीं है, उन्हें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की। ऐसा ही मिस्टर वसीम जी? बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले खाने को नीट एंड क्लीन बनाना, ताकि जो खाएं उनको जायका के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना लाजमी है। तो आप जो हमारे चैनल से जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज आप दें? आए टेस्ट करें बिहारी जायका, बहुत डिफरेंट है, और अगर आपको स्पाइस पसंद है तो आपको बहुत मज़ा आए। वसीम साहब, ये सारी जो चीज़ें आपने सर्व की थी हमें ये बता दी, और मज़ीद आप क्या क्या खाने में दे रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपके रेस्टोरेंट में मौजूद हैं वो भी ज़रा बताएं। देखिए, बारबेक्यू की कम्प्लीट रेंज है, इसके अलावा जिंगर के 6-5 तरह के जिंगर्स है, फिर ग्रिल चिकन सैंडविच है, बर्गर्स है, शावरमा है, हर तरह के वो। और अगर कोई चैनल से हमारे आता है तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे आप? इंशाल्लाह आए, चैनल्स के अलावा भी और कोई कस्टमर आएंगे तो भी। अच्छा, डील्स भी हैं? हाँ, डील्स भी हैं। वो क्या है? बारबेक्यू में भी डील्स है और फास्ट फूड में भी डील्स है। अच्छा वसीम साहब, एक चीज़ मैं थोड़ा सा हटके पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह से आपने ही अपना रिसेंटली स्टार्ट किया है फूड का सिस्टम, तो लेकिन अभी महंगाई भी जो है बिल्कुल आसमान से बातें चली, तो आप सारी चीज़ें किस तरह से बेयर कर? देखिए, महंगाई का तो कोई कंट्रोल है नहीं, बट मैंने कोशिश की है इस महंगाई के बावजूद अपने चीज़ों के फूड के रेट बहुत रिजनेबल रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सके, खा सके,
और मज़ा ले सके। अगर मैंने भी नाज़रीन अभी आप लोग हमारी स्क्रीन पे देख सकेंगे बिहारी रेस्टोरेंट की जो मेन्यू लिस्ट होगी वो भी देखिएगा कि इनका जो लोएस्ट प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है वो 150 से स्टार्ट है ऐसे। जी जी बिल्कुल। 130 से क्या रोल है? रोल, और रोल में कौन कौन से रोल? रोल में चिकन रोल है, मायो रोल है, मायो गार्लिक रोल है, इसके अलावा भी रोल है। वसीम साहब ये तो आपकी अभी पहली ब्रांच हो गई, इसके अलावा इन फ्यूचर आपकी दूसरी ब्रांच का कोई अगर इरादा है तो बताएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ऐसे बड़ी ब्रांच खोलेंगे। वैसे थोड़ा सा अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे बात करूँ, आप घर में भी कुकिंग करते हैं या सिर्फ यहाँ पर? या पहले तो करता था बट अभी पहले करता था लेकिन अब घर से निकाल के मुझे यहाँ प्रोफेशनली हो गया, अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इसलिए घर में नहीं करता। अभी यहाँ की क्या टाइमिंग है वैसे मैं जानना चाहूँगी? यहाँ की 2 बजे से है रात के 3 बजे तक। दोपहर 2 बजे से रात 3 बजे तक पक्का? वीकेंड में तो 3 बजे तक और रनिंग डेज में 2 बजे तक है। अच्छा नाज़रीन, ये हमारे साथ वसीम साहब मौजूद थे जो कि ऑनर हैं बिहारी रेस्टोरेंट के। इन्होंने बताया कि यहाँ के प्राइजेस कितने और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं कि इन्होंने प्राइस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर दिए लेकिन बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट इन्होंने रखी है। 130 का एक मायो रोल अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इनके खाने का लेवल किस तरह का होगा। और अभी जो मेरे सामने डिशेज रखी है आई डोंट नो मैंने किस तरह से अपने आप को काबू करके रखा है, और वसीम साहब ने ख़ुद अपने हाथों से ये सब हमारे लिए बनाया है। इवन हमारे लिए भी नहीं, यहाँ पर जो कस्टमर्स आ रहे होते हैं उनके लिए भी ये खुद ही बनाते हैं और कभी समटाइम्स ये सर्व भी खुद ही कर देते हैं। इतने डाउन टू अर्थ हैं एक ऑनर होके। तो मैं भी चाहूँगी कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो यहाँ पर बिहारी रेस्टोरेंट का ज़रूर विजिट करें जो कि ब्लॉक एच नॉर्थ नाजमाबाद में वाक़ है। तो तमाम देखने वालों से अब मैं चाहूँगी इजाज़त, अपनी होस्ट अंबर जुबैर को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, और मुझे खाने दीजिए।